तक जा रही है, इनको वसूली के लिए रोका गया है। भाग गए और ये देखे पुलिस वाले लोग भाग गए और यही कारण है, देखिए भाग गए पुलिस वाले। किस लिए पैसा लिया गया आपसे? रंगदारी कहा जाता है इसको। और देखिए देखिए अभी ये दो ट्रक जा रही है, इनको वसूली के लिए रोका गया है। चलिए आगे लगाइए ट्रक के आगे, चलिए आगे, चलिए आगे, चलिए। देखिए एक ट्रक है और ये पुलिस वाले हैं। ये रुके रुके, देखिए देखिए पैसा पैसा निकाले थे लेकिन रुक गए। रुकिए गाड़ी खोलिए, शीशा खोलिए, ट्रक वाले से पूछिए किस चीज का चेकिंग चल रहा है यहाँ पर, किस चीज का पैसा क्यों निकाले थे आप? किस चीज का चेकिंग चल रहा है? पुलिस वाले किस चीज का चेकिंग कर रहे हैं? पता नहीं क्यों निकाला, पैसा दिए हो क्या? पैसा दिए आपके लिए कर रहे हैं। हाँ लिए। कितने रुपए दिए हो बताओ? कितने रुपए मिले थे ये लोग? 200। 200 रुपए क्या ला, क्या क्यों लिए बताओगे? आइए एक बार मैं पूछता हूँ इनसे, आइए जल्दी आइए जल्दी। कहाँ गए पुलिस वाले लोग, कहाँ गए हैं? भाग गए और ये देखे पुलिस वाले लोग भाग गए और यही कारण है, देखिए भाग गए पुलिस वाले, भाग गए पुलिस वाले। कहाँ गए हैं सवाल पूछ, पुलिस की गाड़ी यहाँ पे, अब फरार हो गए हैं ये लोग, पुलिस वाले फरार। रुके ना एक बार, रुके 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 रुके, ओ ट्रक रुके ना रुके, एक मिनट एक मिनट। और पुलिस अभी जैसे ही हमें यहाँ से देखी है और ये फरार हो गए हैं। मैं इसे स्टिंग ऑपरेशन को करने के लिए यहाँ पर आया था रात में, अभी ट्रक वाले ने बताया कि हमसे 200 रुपए लिया गया और अभी यहीं पर चार चक्का बुलेरो खड़ी हुई थी और पुलिस की गाड़ी भाग गई यहाँ पर। रुके एक बार, रुके रुके, ये नहीं रुकेंगे, डर रहे हैं, ये डर रहे हैं, लेकिन लेकिन पुलिस यहाँ से फरार हो गई है, भाग गई। जैसे ही देखा उन्होंने माइक कैमरा, तुरंत वो फरार हो गए। यही वो जगह है जहाँ पर ट्रकों को रोक रोक के रात में 11-12 बजे तक पुलिस वाले दादागिरी करते हैं और ट्रक वालों से पैसा लेते हैं और देखते ही हमको फरार हो गए। जैसे ही मैंने माइक कैमरा निकाला ना, वो भाग गए। दादागिरी करते हैं ये लोग रोड पर, अपने आप को बाप समझते हैं, ट्रक वालों से पैसा लेते हैं। और जैसे ही 10 बजे रात को हमें देखे कि कार से हम माइक और कैमरा निकाल रहे हैं, ये फरार हो गए। देखते हैं गाड़ी है कि नहीं, गाड़ी चली गई, गाड़ी यही खड़ी थी विशाल, गाड़ी यही थी, वो लोग चले गए, गाड़ी यही थी और चले गए वो लोग, यही थी गाड़ी। अब दूर दूर तक गाड़ी नहीं है, नहीं मिलेंगे विशाल, तुमको चाहे जितना ढूंढ लो गाड़ी नहीं। गाड़ी अभी निकली है, दफा सरपंच में तुरंत गाड़ी निकली है, आप देखा नहीं क्या आपने? नहीं। गाड़ी अभी निकली है मेरे सामने, मैं सोचा कोई ओवरटेक करके बुलेरो या स्कॉर्पियो भाग रही है, लेकिन वो पुलिस की बुलेरो थी। और दुर्भाग्य इस देश का, रोड पर दादागिरी करी जाती है, वसूली हो रही है एक प्रकार की। अब बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? छपरा से मुजफ्फरपुर जाने वाले रोड पर पुलिस द्वारा अवैध वसूली की जाती है ट्रकों से। इस वक्त रात के 9:53 हो रहे हैं और मैंने ट्रक वाले को पकड़ा है, वहां पर अभी वसूली हो रही थी। मैं उनसे भी पूछूंगा ट्रक वाले भैया से किस लिए पैसा लिया गया, सबसे बड़ा यही सवाल है, किस लिए पैसा लिया गया आपसे? रंगदारी कहा जाता है इसको। हाँ, रंगदारी कर रहा है पुलिस वाला ना। हाँ, अरे बाप समझ के रखा है क्या छपरा पुलिस अपने आप को? कितना रुपया लिए आपसे? 100 रुपया। किस लिए लिए है? रंगदारी। गाड़ी का कागज वगैरह सब दुरुस्त है? हाँ। फिर दिए का है वो आप? अरे रंगदारी नहीं देते तो रंगदारी देता है, मार पीट करता है। पुलिस के साथ और कोई दादा भी है वहाँ, गुंडा टाइप का है? पुलिस ही था। केवल पुलिस ही था? हाँ। और यही रंगदारी वो लोग करता है? हाँ, हाँ, हाँ। और कुछ गाड़ी में लोड है आपके? बालू है बस और कुछ नहीं है। बालू है, ओवरलोडिंग तो नहीं है ना? नहीं है। और यही दादागिरी दिखाने का मैं प्रयास करूंगा इन ट्रक वाले भैया से। अभी जो है 100 रुपए लिया गया है, और इधर दिखाइए इधर, और सबसे 100 रुपया लिया जाता है। ये हाईवे है और मैं गाड़ी से आ रहा था, मैं देखा अचानक ये पुलिस वाले किस बात की वसूली कर रहे हैं, और यही वसूली मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि बिहार पुलिस मनमानी कर रही है।